अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं आपकी होस्ट मदिया, अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं बनाने जा रही हूँ आड़ू का जूस। यकीनन आप सबको पसंद होगा और इसमें मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज डालने वाली हूँ जिसे अमूमन लोग डालना भूल जाते हैं। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि इससे फ्लेवर ही इसी से निकलता है इसका। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और हाँ पूरी देखनी है ताकि आपको भी पता चले कि वो क्या चीज ऐसी जो इसका जायका दुबला करती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आलू को काट लेंगे। आपको बताती हूँ कि आलू काटना कैसे है, ये आपको नजर आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह इसका छिलका नहीं उतारना, सिंपल आपने छूने से ऐसा करना, इसका सीड इजीली निकल आएगा। आलू के बहुत सारे फायदे हैं, जिगर के लिए, यरकान के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये आलू बहुत ही कारामद बहुत मुफीद है। और मैं आज जो जूस है ना, जूसर में नहीं बना रही, जूस हमेशा जूसर में निकल आता है, लेकिन मैं ग्राइंडर यूज कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे होंगे जिनके पास जूसर नहीं होगा, तो उनके लिए मैं साथ में ये कर रही हूँ कि ग्राइंडर में दिखाऊंगी कि कैसे हम जूस बना सकते हैं। और एक दफा फिर बता दूं कि इसके छिलके नहीं उतारने आपने। और इनको काटने से पहले धोइएगा जरूर, ये ना समझिएगा कि मैंने धोए नहीं है, वो मैं पहले ही धो चुकी थी। क्या आप कहें जी के मदिया ने धोए नहीं थे, ऐसे ही काट लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले धो लिए थे, ड्राई कर लिए थे, उसके बाद अब मैं आपके सामने इसको काट रही हूँ। और ये बताती चलूँ आपको कि कोई भी चीज हो, फल फ्रूट कोई भी चीज हो आप खाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ना आपने उनको अच्छी तरह वॉश जरूर कर लेना है। आजकल तो ऐसे भी पता आपको कोरोना फैला हुआ है, तो सफाई निस्फ ईमान है वैसे भी। ये मैंने काट लिए हैं क्योंकि मैंने 3 से 4 ग्लास बनाने हैं, उसके लिए ये आधा किलो सफिशिएंट है आलू। इसको मजीद मैं स्लाइसेस में कर लूंगी ताकि जब ग्राइंडर में डालूं तो ये इजीली हो जाए ब्लेंड साथ। ये देखिए मैं ज्यादा बड़े भी नहीं काट रही, ज्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज के, ये देखें इस तरह। बस ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें बस शुक्र अदा करते रहना चाहिए और उसकी नेमतों का कि उसने कितने मजे मजे के फल दिए हैं जिसे हम मजे मजे की चीजें बना के खाते हैं या पीते हैं। अब मैं इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूंगी, आड़ूओं को अब मैं ब्लेंड कर लूंगी। ये मैं तकरीबन आधे आड़ू इसमें अभी ऐड करूंगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ देती चलूं कि जो ब्लेंडर है मेरा ये नेशनल का ब्लेंडर है और मैंने तो काफी पुराना लिया हुआ, लेकिन मैं मार्केट गई थी पिछले दिनों तो मैं देख रही थी इसके रेट कि अब तकरीबन आपको 2500 से 3500 की रेंज में मिल जाता है, यानी 2500 से लेके 3500 की रेंज में आपको मिल जाएगा। नेशनल, पैनासोनिक, मुख्तलिफ नामों से होते हैं लेकिन चीज एक ही होती है। ये मैंने आधे आलू इसमें डाले, अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी। फिलहाल अभी 1 गिलास ही डालूंगी क्योंकि मैंने आधे आलू ऐड किए, और 1 कप ये देखिए चीनी का ऐड करूंगी। आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल मैंने फुल नहीं किया, थोड़ा सा गैप है, ये इसमें ऐड करूंगी और इनको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप मार्केट से ये लेने जाएंगे ना ब्लेंडर, तो तकरीबन आपको 1 साल की वारंटी साथ देंगे।
जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की चीज लेने जाएं तो आप वारंटी साथ जरूर लीजिए। वैसे तो ऐसी चीजें खराब नहीं होती, मेरी सालों साल चल रही है, लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर होती है। आप वारंटी कार्ड जरूर लीजिएगा। अब मैं इसको रन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको निकाल लूंगी। इतनी शदीद गर्मी में अगर मशरूम हमने तैयार किया है और वो मशरूम बर्फ के बगैर हो तो वो अधूरा लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो उनका हमने पहला पॉट बनाया है इसको मैं जिस सर्विंग जग में डालना है ये बर्फ मैंने उसमें पहले ऐड कर दी है। और एक और बात बताऊं कि आड़ू के जो छिलके हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं, उनको छानने की जरूरत नहीं है। हम इसको उसके साथ ही ऐसे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपको नजर आ रहा होगा कि कितना अच्छा ये ब्लेंड हो चुका है। अभी आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको उसका फ्लेवर भी उतना मजे का लगेगा। बाकी के जितने आड़ू थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। सेम प्रोसीजर करेंगे कि एक ग्लास में इसमें पानी ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें आड़ू ज्यादा है इसलिए मैं इसमें आधा ग्लास पानी का और ऐड कर दूंगी। कप था वो, अब मैंने ये आधा कप लिया, आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि पहले भी था ज्यादा चीनी हो रही, वो सही मजा नहीं देती इसमें। मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर साथ में बर्फ भी ऐड करूंगी। इसको मैंने पहले से ही छोटे पीसेस में कर दिया हुआ है, ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। इसको मैं अब जग में डाल दूंगी। अब इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको जूस के ऊपर झाग नजर आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि जूस का जो टेक्सचर है वो बहुत ही फाइन किस्म का इसमें ग्राइंड हो चुका है, क्योंकि ये जूसर है दूसरा, तो इसमें बहुत अच्छी तरह चॉप मैं कहूंगी हो चुका है। और मैं अब इसको इसमें जग में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 100% प्योर जूस है जो हेल्दी भी है। अब मैं इसमें वो सीक्रेट चीज ऐड करूंगी जो लोग डालना भूल जाते हैं और जिससे जूस ज्यादा उसका फ्लेवर अच्छा बनता है। जूस को आप ग्लासेस में सर्व करूंगी, उससे पहले मैं इसमें बर्फ ऐड करूंगी। माशाल्लाह देखें, आपको देखते नजर आ रहा होगा कि कितना फाइन रेडी हुआ ये जूस हमारा। ये मैं हाफ फिल करूंगी क्योंकि इसमें मैंने एक और चीज डाली। में इसको पसंद करते हैं सर्व करना, लेकिन मैं जो उनसे मैं इसको आलू और लेमन के साथ
आप इस